हेलो फ्रेंड्स, सभी को सादर जय जिनेंद्र। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फन एंड मस्ती में। आज हम सिर्फ रबर बैंड से एक गेम खेलेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है और बहुत ही मज़ा आता है इस गेम को खेलने में। सिर्फ हम रबर बैंड ही इसमें यूज करेंगे और इसको हम कपल गेम भी खेल सकते हैं और अकेले भी खेल सकते हैं। तो पहले हम सिंगल गेम खेल के बताते हैं। फ्रेंड्स, इसको बच्चे की बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी या कहीं भी गेट टुगेदर में हम इसको खेल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है और काफ़ी अच्छा लगता है इसको खेलने से। तो कपल गेम भी खेल सकते हैं और आप सिंगल गेम भी खेल सकते हैं। तो पहले मैं आपको सिंगल गेम खेल के बताती हूँ। फ्रेंड्स, इसको हम कोई भी पेंसिल, स्ट्रॉ, पेन, इवन पेड़ की लकड़ी हो वो भी चलता है, लंबा सा कुछ लकड़ी हो, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो बस एक लंबी स्टिक टाइप कुछ चाहिए, पेन, स्ट्रॉ, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो मैंने पेंसिल ली है और ये 1 मिनट या 30 सेकंड का गेम है। फ्रेंड्स, आप 1 मिनट भी रख सकते हैं, आप 30 सेकंड भी रख सकते हैं, आपके मेंबर के हिसाब से आप इसको खेल सकते हैं। तो इसमें हम सिर्फ रबड़ लिए हैं और सभी रबड़ को हम अच्छा से देखिए खोल लिए हैं, सब चिपके हुए रहते हैं ना, तो इन सबको हम खोल लिए हैं। देखिए, अच्छा से खोल लिए। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, गेम शुरू करते हैं। ये कोई प्रिपरेशन गेम नहीं है, इसमें कोई प्रिपरेशन का ज़रूरत नहीं है। बस ये रबड़ हमको सिर्फ चाहिए और कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए। ये सब पेंसिल, पेन, बॉल पेन वगैरह सब घर में रहते हैं तो हम किसी से भी खेल सकते हैं इसको। तो अभी हम सिंगल गेम खेल के बताएंगे। फ्रेंड्स, तो ये 1 मिनट का गेम होता है या 30 सेकंड का, आपके मेंबर के हिसाब से आप खेल सकते हैं। तो मैं इसको 30 सेकंड का खेल रही हूँ। फ्रेंड्स, तो देखिए गेम शुरू होता है। हम इधर से रबड़ उठाएंगे और इधर से डालेंगे, नीचे नहीं गिरना चाहिए, नीचे गिरेगा आप आउट हो जाएंगे और थोड़ा सा दूर रहेगा। ठीक है, अब हम गेम शुरू करते हैं। कितना दूर रहना चाहिए, इधर से उठाएंगे और सिंगल रबड़ उठाएंगे और इधर डालेंगे। ये देखिए, इधर से उठाएं और इधर डालें। देखिए 30 सेकंड का गेम है। एक ही कलर के रबड़ उठाइएगा, दूसरे कलर का रबड़ होगा तो माइनस काउंटिंग हो जाएगा। अगर बीच में मैंने पीले की जगह लाल उठा लिया तो माइनस काउंटिंग। देखिए इस तरह से एक ही कलर के रबड़ उठाने हैं। फ्रेंड्स, दूसरे कलर के उठाएंगे, माइनस काउंटिंग। देखिए हो गया मेरा 30 सेकंड पूरा। देखिए मैंने कितने रबड़ निकाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो फ्रेंड्स, मैंने 7 रबड़ निकाले हैं इसमें, तो मेरे नाम के आगे 7 लिख दिया जाएगा। फ्रेंड्स, जो भी किटी मेंबर खेलेगा या बच्चे खेलेंगे, कोई भी खेलेगा, तो उनके नाम के आगे हम ये नंबर लिख देंगे। फ्रेंड्स, बच्चे के बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, आप कहीं भी खेल सकते हैं। अब हम खेलेंगे कपल गेम। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम रख दिए हैं, मिला दिए हैं, बॉल हम दूर दूर रखेंगे। इसमें हमको 2 स्टिक चाहिए, पेन हो, पेंसिल हो, स्ट्रॉ हो, कोई डंटी हो, कुछ भी हो सब चलेगा, सीधा होना चाहिए। तो इतना दूर हम रखेंगे, कम से कम 1 पेंसिल जितना दूर। तो कपल गेम में हमको करना क्या है, ऐसे ही रबड़ उठाना है और इधर से हस्बैंड को देना है और वो फिर इधर से इधर डालेंगे। एक ही कलर का रबड़ होना चाहिए फ्रेंड्स, दूसरे कलर का रबड़ होगा तो माइनस काउंटिंग। इसको 1 मिनट का करना है, 1 मिनट का गेम है। इधर से उठाए, इधर डाले, फिर इधर से निकाले और इधर से डाले। देखिए इस तरह से खेलना है। फ्रेंड्स, 1 मिनट का समय है, जितने डाल सकते हैं। एक ही कलर का रबड़ होना चाहिए, दूसरे कलर का रबड़ नहीं, आप 3-4 कलर के रबड़ इसमें रखिएगा। देखिए ये देखिए, इस तरह से हमको खेलना है। देखिए इस तरह से, अब इसमें हम, ये मेरे 2 रबड़ नीचे गिर गए हैं, इसको हम माइनस काउंटिंग भी कर सकते हैं। आपका मन है तो इसको माइनस काउंटिंग कर दीजिए, रबड़ नीचे नहीं गिरने चाहिए, नीचे गिर जाने से माइनस काउंटिंग। तो मेरे 2 रबड़ नीचे गिरे हैं, तो आप 2 रबड़ नीचे गिरे तो माइनस काउंटिंग कर सकते हैं। ये देखिए मेरा 1 मिनट पूरा हो गया, ये 2 रबड़ मैं इधर कर दूँगी तो मेरे बचे 3 रबड़। देखिए फ्रेंड्स, कपल गेम में मैंने 3 रबड़ जीते, तो अपने नाम के आगे मैं 3 लिख दूँगी। फ्रेंड्स, ये 3 रबड़ मेरा स्कोर होगा, 3 रबड़ मेरा स्कोर होगा। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरा गेम पसंद आया होगा।
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अब हम अपना दूसरा गेम खेलेंगे। इसको हम डाइस से खेलेंगे फ्रेंड्स। डाइस हम बाद में यूज करेंगे इसको, हम बच्चे के बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी, कहीं भी इसको खेल सकते हैं। ये रबड़ है, इसमें ये रबड़ बैंड आप किसी भी अंगुली में डालिए, कितने भी डालिए, एक मिनट का समय आपको लगेगा। कोई भी अंगुली में कैसे भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना डाल सकते हैं डालिए, आप किसी भी तरह डालिए। एक मिनट तक आप सब रबड़ डालते रहिए अपने अंगुलियों में, जितना डाल सकते हैं डालिए। एक मिनट में आप जितना डाल सकते हैं फटाफट डालिए। एक ही हाथ से डलाएगा फ्रेंड्स, दो हाथ काम में नहीं लेने हैं। देखिए एक मिनट का समय है, जितना डाल सकते हैं डालिए। देखिए फ्रेंड्स, एक मिनट खत्म हो गया मेरा, एक मिनट खत्म हो गया। मैंने इतने रबड़ डाले, देखिए इतने रबड़ मैंने डाले। अब हम डाइस राउंड करेंगे। देखिए आए दो, तो ये अंगुली है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच तक आते हैं, तो जो अंगुली आएगी उसी का रबड़ मेरा काउंट होगा। और अगर आपको छः आ जाता है तो छः में आप या तो सारे रबड़ काउंट कर सकते हैं, ये छः में आप आउट कर सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए आप कर सकते हैं। छः में आप, छः अगर आपको आ जाता है तो सारी अंगुली के रबड़ काउंट हो जाएंगे, और छः अगर आता है तो आप पूरे आउट, गेम से आउट, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मैंने पाँच आए, एक दो तीन चार पाँच, पाँच में मेरे को चार रबड़ मिले। देखिए पाँच में मेरे को चार रबड़ मिले, तो मेरा स्कोर हुआ चार। तो अपने नाम के आगे हम चार लिखेंगे फ्रेंड्स। तो आपको मेरा गेम कैसा लगा फ्रेंड्स? पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए पाँच आया, तो मेरे पाँच आया, तो ये पाँचवीं अंगुली में जो रबड़ था वो मैंने इसमें डाला। छः आने पे आपकी चॉइस है, आप कैसा भी कर सकते हैं, या तो पूरा गेम से आउट करिए या पाँचों अंगुली के रबड़ ले लीजिए। ये तो सब पार्टिसिपेट का एक जैसा रूल होगा, तो इसमें आपको जो समझ में आए वो करिए फ्रेंड्स। बाय।